हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा ट्यूसडे को ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 95 यूनिट्स को परचेस कर सकती है। और आर्मी चीफ के द्वारा पत्रकारों के ग्रुप से बात करते हुए ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी 200 इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर को परचेस करने वाली है, जिसमें 95 LCH हेलीकॉप्टर होंगे और बाकी के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होंगे। आर्मी चीफ के द्वारा इस LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एक सॉर्टी को भी कंप्लीट की गई, यानी कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में बैठ के खुद ये देखा कि ये हेलीकॉप्टर किस प्रकार से काम करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इंडियन आर्मी के द्वारा इतने बड़े नंबर में इस LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को क्यों परचेस किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसकी एक खास बात है और वो ये है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट सीलिंग वाला अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी कि ये जितनी ऊंचाई पे जाके उड़ सकता है, दुनिया का कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर उतनी ऊंचाई पे जाके उड़ नहीं सकता है। और दूसरा कारण ये है कि अब जो इंडियन फोर्सेस का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान सेंट्रिक न होके अब वो चाइना सेंट्रिक हो गया है, यानी कि जो हमारी फोर्सेज है वो पूरी तरीके से चाइना से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रही है, यानी उसे काउंटर करने के लिए। और जो चाइना से लगे हुए बॉर्डर है वो हिमालयन रेंज में आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। इसीलिए हमें ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे भी जाके आसानी से युद्ध लड़ सके, यानी आसानी से ऑपरेट कर सके। इसीलिए ये जो इंडिया का खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड, वो इस काबिलियत से लैस है और वो आसानी से वहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। हम आपको बता दें कि कारगिल वॉर के समय हमें ऐसे हेलीकॉप्टर्स की खास ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि जो कारगिल का बैटलफील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे है और वहाँ पे और कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं सकता है। इसलिए हमारी फोर्सेस उस समय ये सोच रही थी कि काश हमारे पास कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हो जो यहाँ पे ऑपरेट कर सके। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को डेवलप भी किया गया है। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में अभी 4 हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं, 6 ऑर्डर पे हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स इसके 65 और यूनिट्स को परचेस कर सकती है। वहीं पे इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में 3 हेलीकॉप्टर सर्विस दे रहे हैं, जबकि 2 ऑर्डर पे हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसे 95 और हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया जा सकता है। वैसे भी इंडियन आर्मी के जो अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट्स है वो पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अगर हम इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट की बात करें तो अभी हमारे पास सिर्फ 75 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए गए हैं। अटैक हेलीकॉप्टर को मेनली ग्राउंड फोर्सेस को एयर सपोर्ट देने के लिए ही बनाया गया है और इंडियन आर्मी में इनका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है। हम आपको बता दें कि ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो टैंक के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, क्योंकि इनमें एंटी टैंक मिसाइल्स लगी होती हैं जो आसानी से किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर हम LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की ही बात करें तो इसमें हमारा खुद का इंडिजीनियस एंटी टैंक मिसाइल ध्रुव अस्त्र इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया गया है और एक LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के द्वारा ऐसे 16 एंटी टैंक मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। ध्रुव अस्त्र एंटी टैंक मिसाइल नाग मिसाइल का ही एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक है। अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका मास 43 केजी का है और इसमें 8 केजी के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके एक यूनिट की कॉस्ट की बात करें तो इसके एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए है। LCH प्रचंड काफ़ी ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है और इसमें सभी तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दी गई है। ये दुनिया का मात्र एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर लैंड कर चुका है। इसके साथ ही LCH प्रचंड में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, क्योंकि कई सारे कंट्रीज के द्वारा इस हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट भी दिखाया गया है और हो सकता है कि भविष्य में इसे कुछ फॉरेन कंट्रीज के फोर्सेस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इंडिया को अभी तक किसी भी फॉरेन कंट्रीज से इसका कोई ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका ऑर्डर जरूर मिलेगा। एनीवे, कुल मिला के अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी में अगर इसे लार्ज नंबर में इंडक्ट किया जाता है तो इंडियन आर्मी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी और इंडियन आर्मी के फायर पावर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इस हेलीकॉप्टर के द्वारा हम चाइना पे आसानी से बढ़त बना सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।